नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मलेशिया के बारे में। जी हाँ भाई, मलेशिया का एक कन्फ्यूजन वाली बात हो रही है कि वीज़ा स्टार्ट हुए कि नहीं हुए। बहुत सारे लोग वीज़ा भी दिखा रहे हैं कि वीज़ा लग गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं वीज़ा नहीं स्टार्ट नहीं हुआ है, मेडिकल हो रहे हैं, मेडिकल नहीं हो रहे हैं। आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि भाई 1 जून से स्टार्ट तो हुआ है। विजिट वीज़ा के बारे में बात करेंगे, कितनी फीस लगती है, ऑन अराइवल वीज़ा कैसे मिलता है, कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, एयरपोर्ट पर क्या कंडीशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने ज़रूरी हैं, वीज़ा कब से स्टार्ट होंगे, पूरी हम डिटेल्स इस पर बात कर लेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, भाई अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके लाइक ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों विजिट वीजा के बारे में। जी हां, देखिए विजिट वीजा 1 जून से शुरू तो पहले से ही हो चुके थे नो डाउट, लेकिन 1 जून से ऑन अराइवल वीजा शुरू कर दिए गए। अब ऑन अराइवल वीजा का क्या मतलब होता है, कितना पैसा लगता है, इस पर हम बात कर लेंगे। जी हां, ऑन अराइवल वीजा का मतलब यह होता है कि आप इंडिया से जाते हो तो आपको वीजा लेके जाना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए थाईलैंड से होकर जा रहे हो, सिंगापुर से या फिर न्यूजीलैंड से या फिर ब्रुनेई से, इन 4-5 कंट्रियों से अगर आप होते हुए सिंगापुर पहुंचते हैं तो आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा। अब ऑन अराइवल वीजा की बात करें तो भैया चार्जेस कितने लगेंगे, चार्जेस हैं 200 आरएम, जी हां 200 आरएम या फिर 46 डॉलर्स इसको बोल सकते हैं। तो ये इतना चार्जेस यानी 200 आरएम का मतलब कितना बन जाता है भैया, लगभग 3,500-4,000 के बीच में आपका खर्चा लग जाता है। अब मुझे तो यह बात समझ में नहीं आई कि फिर ऑन अराइवल वीजा का मतलब क्या होता है भैया। अगर आप 15 दिन का वीजा लेते हैं तो 1800-1900 रुपए में मिल जाता है इंडिया में, वही वीजा अगर आप ऑन अराइवल लोगे तो आपको देखो कितना महंगा पड़े और इन 4 देशों से होते हुए आपको आ सकते हैं। और साथ में बता दूं 500 डॉलर आपके पास होने जरूरी है, नगद हो या डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो या अन्य कोई भी तरीका हो जो मलेशिया की बैंक एक्सेप्ट करती है। जी हाँ, कंफर्म टिकट आपके पास में होनी चाहिए, तब जाके आप 15 दिन के लिए मलेशिया में रह सकेंगे। जी, और इसके साथ में बात करें दोनों बूस्टर डोज, आपके दोनों डोज लगी होनी चाहिए, अगर उसमें टाइम निकल गया तो बूस्टर डोज लगी होनी चाहिए। यह कंडीशन अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको क्वारंटाइन वाला झंझट नहीं रहेगा। जी हाँ, अब अगर बात करें साथियों वर्क परमिट वीजा की, देखिए वर्क परमिट वीजा सरकार ने घोषणा की थी इंडोनेशिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, नेपाली के लिए और पाकिस्तानी के लिए। इंडिया का तो अभी नाम आया ही नहीं है, सच्चाई की बात यह है। जी, बाकी कुछ लोग वीजा बता रहे हैं कि वीजा, ये देखो वीजा लग गए, पासपोर्ट में वीजा दिखा रहे हैं। अब बाकी वो वीजा कहां से लगा रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट की जो अथोराइज्ड सूचना है वो अभी निकल के नहीं आई है। जी हाँ, हालांकि इन दो, मैं 2-3 कंट्रियों का नाम लिया, इनकी उन्होंने घोषणा कर दी है, लेकिन सच्चाई की बात यह कि उनकी भी कॉलिंग वीज़ा नहीं निकल रही है। हाँ, कुछ लोगों के निकल रहे होंगे जिनके पास कोई पुराने कॉलिंग पड़े होंगे या फिर कोई कैसे निकालते हैं भैया, हम इस बारे में नहीं जानते। जी हाँ, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि परमिट वीज़ा निकल रहे हैं, हो सकता है वो सेम ड्रमी वगैरह वो कंपनियों के निकल रहे होंगे, लेकिन सच्चाई की बात यह कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है मलेशियन की, उसमें ऐसी कोई सूचना लिखी भी नहीं है कि भाई वर्क परमिट वीज़ा स्टार्ट हो चुके हैं इंडिया के लिए या फिर अन्य देशों के लिए। हालांकि 1-2 दिन में लगभग सूचना मिल रही है कि 10 जून तक वीज़ा ओपन होने की पूरी संभावना है। घोषणा हालांकि हो चुकी है कि वीज़ा ओपन हो गए, आपको पता है मलेशिया का तो दिमाग टेढ़ा है भैया, वो अलग ही दिमाग से सोचते हैं, अलग ही दिमाग से उनकी घोषणाएं होती हैं। जो घोषणा वो बोलते हैं आज 1 तारीख से शुरू है, वो अगले 2 महीने बाद शुरू होती है। अब उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई वीज़ा स्टार्ट हो गए, लेकिन कहाँ, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या फिर नेपाल के वीज़ा स्टार्ट हो गए, कहाँ हो गए, उनके तो वीज़ा अभी स्टार्ट नहीं हुए, जबकि उनके विदेश मंत्री का बयान पड़ा है कि हम कॉलिंग वीज़ा स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं किया उन्होंने। ये सेम कंडीशन इंडियन की है, आप मेडिकल करवा रहे हैं एजेंट लोग एकदम धड़ाक से। जी हाँ, क्योंकि मलेशिया में एकदम भीड़ पड़ेगी, अभी इसलिए बढ़ेगी कि मलेशिया सरकार ने